अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वादे के एंड मुताबिक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए डायबिटीज के ऊपर। मैंने अपनी जो फेसबुक पर वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे मसले होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है या जो उसका ट्रीटमेंट है वो क्यों गलत है और डाइट और एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसका शुगर ज़्यादा है और डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट पे लगाता है, ट्रीटमेंट पे डालता है, तो चाहे वो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स पे डालता है, एक टैबलेट पे डालता है, दूसरी टैबलेट पे डालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात इंसुलिन तक चली जाती है। ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं ये डायरेक्टेड हैं, इनका फोकस है शुगर को लो करना, जो आपकी ब्लड शुगर है उसको कम करना। हालांकि मसला शुगर का नहीं है, मसला इंसुलिन का प्रॉपर काम ना करना है, इंसुलिन का ज़्यादा होना है बॉडी में, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से चूंकि वो काम नहीं कर रही होती, इसकी उसकी काम ना करने की वजह से शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। तो जो ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है, मेरा शुगर ज़्यादा है, अब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, तो मुझे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पर डाला जाता है और जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तब तक तो सब कुछ ठीक है, मेरी शुगर भी कंट्रोल है और मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता उन दवाइयों की मकदार बढ़ती है, एक गोली से दूसरी गोली, दूसरी गोली से तीसरी गोली, फिर इंसुलिन पे। तो अगर देखा जाए तो इटसेल्फ ये चीज़ आपको बताती है कि ये ट्रीटमेंट की नाकामी है कि पहले एक दवाई काम करना छोड़ रही है या उसका डोज कम है उसको बढ़ा दिया, फिर दूसरी दवाई ऐड की, फिर तीसरी दवाई ऐड की, सारी ज़िंदगी बंदा दवाइयों पे रहे, दवाइयों का मोहताज रहे और एक ट्रीटमेंट नाकाम हुई तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। तो इटसेल्फ ये एक बड़ा, जिस बंदे ने दवाइयाँ लेनी होती हैं वो सारी ज़िंदगी इसी सोच में रहता है कि यार मैं कब तक कोई दवाई लूँगा, और दवाई लेने से जो साइकोलॉजिकल एक जहन में ये चीज़ आती है कि पता नहीं ये जो बीमारी है मुझे ये कितनी बड़ी है, ठीक है। हालाँकि अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो कि परहेज से है, डाइट से है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि आप इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि डायबिटीज़ को दिखाया जाता है कि जैसे ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, कि जैसे ये स्प्रेड करेगी ये वक्त के साथ बढ़ेगी, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं आपको कितने सारे नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने सक्सेसफुली ये अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है और डायबिटीज़ ख़त्म की है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक एक्टिव हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बगैर किसी साइंस एंड सिम्टम्स के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बतानी थी, जिसका मैंने आपसे वादा किया था, डिफरेंट अप्रोचेस हैं डाइट को ठीक करने के, जो एक लेमेंट के लिए एक आसान, जो मैं एक आपके लिए बताऊंगा कि जो हर इंसान कर सकता है वो ये कि गैर ज़रूरी रोटी का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी चावल का इस्तेमाल, पास्ता हो गया और रिफाइंड कार्ब्स जो हो गए हमारे, जो ईजीली जो हमारे हम जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, गैर ज़रूरी मशरूबात का इस्तेमाल, चीनी को चाय में जो हम ऐड करते हैं उसको कम करना, उसको ख़त्म करना, इसके अलावा जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको डाइट से हटाना और उनकी जगह अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेके आना, जैसे कि ओट्स हो गए, दलिया हो गया, ब्राउन राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए डिफरेंट, ठीक है ना, कि जिसमें आपको फाइबर भी मिलता रहे और जिन वो कार्बोहाइड्रेट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो इसमें जो है सबसे जो चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कंट्रोल किया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, और उसकी जगह आपने ऐड किया उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं, जो इंसुलिन की स्पाइक नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने प्रोटीन का इंटेक भी ठीक रखना है, आपने रिक्वायर्ड प्रोटीन खानी है, हर इंसान की बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज उसको चाहिए होती है अपने वजन को बरकरार रखने के लिए, उससे थोड़ा सा कम आपने खाना है ताकि आपका फैट लॉस होता रहे और आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते रहें। बॉडी फैट कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, ठीक होगी, इंसुलिन सही काम करेगी, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो सेकेंड अप्रोच है, जो ज़रा मैं थोड़ा स्पेसिफिक है, कीटोजेनिक डाइट है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इसकी साइंस क्या है, इसको कैसे फॉलो करना है। एक क्लाइंट ने सिर्फ वो वीडियो देख के एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो आप लोग भी उस वीडियो से फ़ायदा लेके अपना वेट लॉस में वो आपकी हेल्प कर सकती है, उससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट में भी जो चीज़ का आपने ख्याल रखना है,
उसमें यही है कि जो टोटल रिक्वायर्ड कैलोरीज है ना आपकी पूरी डे की, जितनी आपको चाहिए वजन मेंटेन करने के, उससे आपने फिर भी कम खाना है, सही। कीटोजेनिक डाइट को देखा गया है कि वो अगर किसी का HbA1c या शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो अगर कुछ ही महीने कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करें तो उनकी ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, उनको इस बीमारी से जो है वो जो प्रॉब्लम्स है उनसे उनका छुटकारा हासिल हो जाता है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा आसान है, जिसमें सबसे प्यारी बात यह है कि ना कुछ बनाना पड़ता है, ना कोई पकाने की टेंशन, ना कोई प्रिपेयर करने की टेंशन, ना मतलब बार बार खाने की टेंशन, ठीक है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने फास्टिंग का पीरियड ज़्यादा रखना है, वो टाइम पीरियड जिसमें आपने कुछ नहीं खाना, उस टाइम ड्यूरेशन को आपने बढ़ाना है। हम रोज़े रखते हैं, हमने अभी कुछ अर्सा पहले हमारा रमज़ान गुजरा, मुबारक महीना गुजरा, जिसमें हमने 30 रोज़े रखे, बगैर पानी के रखे, बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है उन रोज़ों को मुकम्मल किया। तो जो वो लोग जो इस वीडियो को देख के बोलेंगे कि यार फास्टिंग तो बड़ा मुश्किल है, उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये वाली फास्टिंग, इसमें आप पानी भी पी सकते हैं, इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, इसमें आप टी भी ले सकते हैं, इसमें आप थोड़े बहुत BCAAs भी ले सकते हैं। तो ये उस फास्टिंग के जिसमें कुछ भी नहीं पीना, उससे ये कदरे आसान है। 16 घंटा आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे जो बच गए उसमें आपने खाना है, उसमें भी जो आपने खाना है वो कैलकुलेट करके खाना है, जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है उससे कम खाना है, ठीक है। लेट्स से 4 बजे से आप खाना शुरू करते हैं, 4 PM से, 4 PM से लेके चले जो 8 घंटे बनते हैं, इस विंडो में आपने अपनी कैलोरीज लेनी है। लेट्स से आपकी 2500 कैलोरी रिक्वायरमेंट और आप 2000 कैलोरीज हैं, तो वो 2000 कैलोरीज आपने इस विंडो में पूरी करनी है। अब जैसे ही 8 घंटे पूरे हो गए, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया, आप सो गए, आपने रेस्ट किया, आप सुबह उठे, आपने ब्लैक कॉफ़ी से दिन की इब्तदा की, चाय से दिन की इब्तदा की, पूरे दिन आप इसी तरह पानी पीते रहे, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने ख्याल रखा, होते 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 4 बज गए। इस पूरे प्रोसेस में ना तो आपने कुछ पकाया, ना तो आपने कोई गैर ज़रूरी इंतज़ाम किया, बस सिर्फ यही है कि आपने उस फास्टिंग पीरियड को बढ़ा दिया। इस फास्टिंग पीरियड से जो स्टडीज हमें बताती हैं कि जो इंसुलिन है वो सबसे इफेक्टिवली, सबसे अच्छी तरह से कंट्रोल होती है, आपकी जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। वो लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग देखेंगे कि आपके जो ये कुछ ही अरसे में आप इस डाइट को जब इस तरीके को इस तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं फ्यूचर में इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर एक अलहदा पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इंश्योर करूंगा कि उसको कैसे से कैसे आसान बनाया जाए। अब बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि फास्टिंग में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि एक और स्टडी है जिसमें देखा गया है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे अरसे तक करते हैं उनकी भूख पे कंट्रोल ज़्यादा होता है, उनकी हंगर, उनकी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं रहती, बॉडी जो है वो अडेप्ट कर जाती है। तो आपका ये बहाना भी कि अगर आपके जहन में ये है कि भूख कौन बर्दाश्त करेगा, तो अगर आप इसको कुछ अरसा लेके, इनिशियली मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी यूज्ड हो जाएंगे, बॉडी इसकी यूज्ड होती जाएगी, तो आपके लिए इसको फॉलो करना आसान होगा। अब आ जाते हैं कौन सी ऐसे जो है सप्लीमेंट है जो हेल्प करते हैं। इसमें क्रोमियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, 200 माइक्रोग्राम वो आप लें डेली बेसिस पे, अर्ली ऑनसेट, अगर अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा ओमेगा 3, फिश ऑयल, क्रिल ऑयल, ये भी आप ले सकते हैं, मल्टीविटामिंस लें। ये तो अब हमारे सप्लीमेंट की साइड हो गई, डाइट की साइड मैंने कवर कर दी। एक्सरसाइज में बहुत से लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या डायबिटिक लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है, आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है, आपकी इंसुलिन ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है। कार्डियो भी करनी है, साइकिलिंग, वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, स्प्रिंट्स, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो भी आपने करना है वो आप करें, लेकिन फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम ज़रूर रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा और आप इससे अपने जो चाहने वाले हैं, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, जिनको ये बीमारी है, उनसे आप ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे आप लोगों के तआवुन की ज़रूरत है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।